जून जुलाई की शदीद गर्मी में सिर्फ एक बार ये फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। ऐसा पाउडर मिलाएंगे जिससे आपको एक्नी भी नहीं होगी, कलर फेयर होगा, डार्क स्पॉट खत्म होंगे, एक्सेस ऑयल भी रिमूव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जी आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। सबसे पहले जी हमें चाहिए है फेयर लवली क्रीम। फेयर लवली क्रीम हमें तकरीबन एक चम्मच भर के चाहिए है, स्किन वाइटनिंग के लिए बेस्ट क्रीम है, ठीक है। तो एक चम्मच भर के आपने फेयर लवली क्रीम लेनी है। अगर आपके पास साशा है, 10 रुपये का साशा भी मिल जाता है, वो पूरा आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमें चाहिए है सईद गनी की एलोवेरा जेल। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, इतनी कूलिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पर, ठंडक मिलेगी आपके फेस को, एक्नी को ख़त्म करेगा। एक्स्ट्रा ऑयल जो फेस पर आता है मूनसून में, जून जुलाई की गर्मी में हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, तो ये उसे ब्लैक होने से रोक देगा। तो ठीक है, एक चम्मच भर के हमने ये एलोवेरा जेल लेनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमें चाहिए है सैंडलवुड पाउडर। सैंडल पाउडर हमें लाजमी इसमें ऐड करना है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगा, वाइट कर देगा। ये आपने तकरीबन एक चम्मच भर के इसमें ऐड कर देना है। स्किन वाइटनिंग के लिए उपटन में इसे यूज़ किया जाता है, दुल्हनों को लगाया जाता है। ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो आप दराज ऐप से इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑयल, एक्सेस ऑयल जो हमारे फेस पर आता है उससे ये जस्ट कर लेगा, जितनी भी चिकनाई हमारे फेस पर होगी वो सब ख़त्म कर देगा। नेचुरली बहुत ज़बरदस्त ये स्क्रब है, ठीक है। अगर आप इसे दूध में मिक्स करके एक चम्मच अपने फेस पर डायरेक्ट मसाज करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एक चम्मच भर के हमने ये इसे ऐड कर देना है। उसके बाद ही हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बाद हमने एक और पाउडर इसमें ऐड करना है, मैजिक पाउडर है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बस जी थोड़ी सी बस एक दो चीज़ें हमने और ऐड करनी है, वो देख लें आप। मुल्तानी मिट्टी भी तकरीबन हमने एक चम्मच लेनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हम ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कीमती हमारा ये फेस पैक रेडी होने वाला है, बहुत ही कम कीमत में। डेली आपने इसे लगाना है, ठीक है। आप जो स्किन पॉलिश करवाते हैं, पॉलर से ब्लीच करवाते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने ये फेस पैक लगा लेना अपने फेस पर। जी बारी आ गई है जो हमने इसमें पाउडर मैजिक ऐड करना है, नीम का पाउडर, ठीक है। आप नीम के पत्ते लेकर उसे पाउडर भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस दराज ऐप से इसे मंगवा सकते हैं, नीम के पत्तों का पाउडर। ये तकरीबन हमने ऐड कर देना है इसमें एक चम्मच, ठीक है। एक चम्मच तकरीबन जो छोटा है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। मेरे पास चम्मच थोड़ा बड़े साइज़ का है तो इसलिए मैं इसमें हाफ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने इसमें ऐड लाजमी करना है इस मास्क में। ये आपकी स्किन पर जितने भी छोटे छोटे दाने बनते हैं, एक्नी हो जाती है गर्मियों में, मूनसून में, बारिशों के बाद चेहरे पर ऐसे लगता है जैसे चिकनाई सी आ गई हमारे फेस पर, कलर डल हो जाता है, तो ये लाजमी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसके बगैर हमारा फेस पैक अधूरा है, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमने ऐड करना है इसके अंदर सीरम। सीरम आपने वाइटनिंग बूस्ट सीरम गोल्डन पर्ल का ऐड करना है लाजमी। 2 से 3 ड्रॉप इस, बस इतने काफ़ी हैं। 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड कर दिए, बस जी। अब ये आपका वाइटनिंग फेस पैक हो जाएगा रेडी। अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सर्दियों में ये फेस पैक रेडी कर रहे हैं तो आपने इसमें दूध ऐड करना है। अगर गर्मियों में आप ये फेस पैक रेडी कर रहे हैं तो आपने अरके गुलाब से बनाना है। थोड़ा सा अरके गुलाब हमने ऐड करना है और अच्छे से इस पेस्ट को हमने मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी जो उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने, बिल्कुल स्मूथ सा, सॉफ्ट सा हमारा ये फेस पैक रेडी हो जाएगा। और जब भी आपने फेस पैक को बनाना है फौरी तौर पे आपने अपने फेस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको अपने हैंड पर बता रही हूँ इसी तरह आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। नाइट में डेली आपने नाइट में करना है, दिन में आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, सुबह शाम। अगर नाइट में कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। और आपने फिर इस तरह मैं अपने फेस पर लगाती हूँ 1 घंटे तक, और जब ड्राई हो जाता है बहुत अच्छे से फिर मैं अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो बिल्कुल जी देख लें आप, बिल्कुल ड्राई हो चुका है मेरा हैंड, और जो फेस पैक था बकाया वो मैंने जी जल्दी से अपने फेस पर लगा लिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है और बहुत ही मेरे चेहरे पर मुझे ठंडक ठंडक महसूस हो रही है, ठीक है। अब जी मैं इसे रिमूव करूँगी, बिल्कुल आपको मैं लाइव रिजल्ट दूँगी, ठीक है, जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में देती आई हूँ। ड्राई होने के बाद आपने ठंडे पानी से धो लेना है, फिर आपके सामने रिजल्ट देखिएगा। आपके फेस पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा, स्किन आपकी वाइट आपको 1 वॉश में
आपको वन वॉश में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। देखें बिल्कुल ऐसी ही आपकी स्किन हो जाएगी। डिफरेंस आप देख सकते हैं, ग्लो कितना आ रहा है, स्किन वाइट हो चुकी है, डेड स्किन रिमूव हो चुकी है, बिल्कुल मेरा हाथ हो चुका है साफ। ठीक है, इसी तरह आपका फेस भी हो जाएगा। तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में इसका रिजल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर आऊँगी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।